अगले महीने एक तरफ जहां पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा, वहीं देशवासियों को 200 के नए नोटों के दर्शन भी होंगे। जी हां, 100 और 500 रुपए के बीच छोटे नोट का इंतजार कर रही जनता को स्वतंत्रता दिवस पर 200 रुपए के नए नोट मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने 200 रुपए के नोट की उपयोगिता की जाँच करा ली है और इस स्वतंत्रता दिवस तक इसे जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों का यह भी कहना है कि होशंगाबाद प्रेस यूनिट की जांच रिपोर्ट ओके होने के बाद नोट को मैसूर और सालबनी के प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया गया है और नोटों की छपाई भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 200 रुपए के नए नोट मिश्रित रंग के होंगे और पहली नजर में 100 रुपए के उन पुराने नोटों की तरह ही दिखेंगे, जिनमें सफेद पट्टी के साथ पूरा नोट नीले रंग के शेड में दिखता था। आपको बता दें कि नोटबंदी से पहले आरबीआई छोटे नोटों को प्रचलन में लाने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि बैंकों को अपने 10% एटीएम 100 एक्सक्लूसिव एटीएम में तब्दील करने के निर्देश भी दिए गए थे। इस आदेश के चंद दिनों बाद ही 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे और 2000 के नोट बाजार में आए थे। हालांकि बाद में बड़े नोट दोबारा डंप होने लगे। बैंक से जुड़े सूत्रों की माने तो आरबीआई फिलहाल बैंकों को 500 रुपए के नोट अधिक और 2000 रुपए के नोट कम दे रहा है। वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद आरबीआई ने इसी साल मार्च में 200 रुपए के नोट छापने का फैसला किया था। जल्द इस फैसले पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ऐसे में 200 रुपए का नोट आने के बाद लोगों को लेन देन में थोड़ी और आसानी होगी। इंडिया न्यूज़ बारल की रिपोर्ट।